अदालतों द्वारा ही सुनाए गए कई फैसलों का हम जिक्र कर रहे थे जो आज के ऐसे ही एक कई विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। सवाल ये भी है कि हिजाब के मुद्दे पर अदालतों ने अब तक इसको लेकर फैसले क्या सुनाए हैं, क्योंकि हिजाब का ये जो इश्यू है वो कई मौकों पर अदालतों में रखा गया है, अब एक बार फिर से इस विवाद को रखा गया है। लेकिन अगर हम पहले के विवादों का जिक्र करें, केरल उच्च न्यायालय के दो फैसले स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के इस्लाम के सिद्धांतों के अकॉर्डिंगली कपड़े पहनने के अधिकार पर परस्पर विरोधी जवाब देते हैं। 2015 में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष कम से कम दो पिटिशंस दायर की गई थी जिनमें अखिल भारतीय प्री मेडिकल परीक्षा के लिए प्रवेश के लिए ड्रेस कोड के नियमों को चुनौती दी गई थी और इस पर कोर्ट ने सीबीएसई के तर्क को एक्सेप्ट किया कि नियम केवल ये सुनिश्चित करने के लिए था कि कैंडिडेट कपड़ों के भीतर वस्तुओं को छुपाकर अनुचित तरीकों का इस्तेमाल ना करें। कोर्ट ने सीबीएसई को उन छात्रों की जांच के लिए अतिरिक्त उपाय करने का निर्देश दिया जो अपने धार्मिक रिवाज के अकॉर्डिंग पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं लेकिन ड्रेस कोड के विपरीत हैं। आमना बिन बशीर बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केस में भी केरल ने इस पूरे के पूरे मुद्दे की अधिक बारीकी से जांच उस वक्त की। न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने उस वक्त कहा कि हिजाब पहनने की प्रथा एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है लेकिन सीबीएसई के नियमों को रद्द नहीं किया गया। सीबीएसई ने हर कैंडिडेट की जांच के लिए संसाधनों की कमी का हवाला दिया, अगर उन्हें अपनी पोशाक चुनने में स्वतंत्रता मिल जाती तो इस तरह इन दोनों ही मामलों में खास उद्देश्य के लिए धर्म की स्वतंत्रता पर बैन जो है वो शामिल है। तो किसी छात्र को स्कूल में सिर्फ इस वजह से प्रवेश ना करने दिया जाए कि उसने पगड़ी भगवा दुपट्टा या हिजाब पहना है तो इस बात की क्या निंदा की जानी चाहिए, खासकर तब जब किसी छात्र के कपड़े से दूसरों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो रही हो। सो ये पहला पॉइंट है जो हर किसी के लिए आज स्पष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन जब बतौर मुस्लिम एक छात्र के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई जाती है तो हमें बतौर महिला उसके अधिकारों की बात करने में भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। दरअसल पर्दा ये जो है हम देखते हैं कि रूढ़िवादियों और उदारवादियों के बीच चलने वाली एक संस्कृति की एक ये एक ऐसी अभी तक जंग बनी हुई है जिसमें दोनों ही पक्ष कभी एक राय नहीं रखते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस पूरे के विषय को अच्छे से समझ रहे होंगे क्योंकि ये जो परंपरा है ना इसको लेकर हमेशा से ही एक विरोधाभास वाली कहीं बातें हमेशा नजर आनी हमेशा आती रही हैं। पर्दा प्रथा को अब रोका जाना चाहिए, इसको लेकर जो है वो अवेयरनेस की जरूरत है। लेकिन जब बात मुस्लिम महिलाओं की आ जाती है, बच्चियों की आ जाती है, तो ये जो पर्दा है ना, ये जो हिजाब है, इसको लेकर एक अलग पहलू है जिस पर बात आज की जानी चाहिए। सो अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए इस वक्त आलूवालिया जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीट टॉक में। गुड इवनिंग जी, मैं अपनी ओपिनियन इसके ऊपर रखता हूँ। हाँ जी, कि हमें ये हिजाब आज ही नहीं पहन रही हैं ये औरतें। हाँ जी, ये सदियों से चलता आ रहा है और ये औरतों के ऊपर है, कुछ पहनती हैं और कुछ नहीं भी पहनती। और ये बच्चियां जो पहनती हैं उनके ऊपर प्रभाव है उनके अपने धार्मिक लीडरों का या समाज का या अपने माँ बाप का कि आप हिजाब पहन के जाएं। जी, कभी ऐसा होता है कि क्यों जाएं ऐसा, कभी अगर आप नहीं पहनेंगे तो लोग क्या बात करेंगे, क्योंकि लड़कियों का मामला है बहुत जलूल बातें भी कहेंगे आपके बारे में जो आपके लिए आगे मुनासिब नहीं हो सकती। okay. अब सवाल यह है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो
25(1) है उसके अंदर हमें पूरी आजादी है, हम जो मर्जी पहने जैसा मर्जी पहने, ये हमारी चॉइस है, जबरदस्ती नहीं है. लेकिन पॉइंट जो 25(2) है उसमें ये भी होता है कि अगर आपके लिबास से आपने जो पहनावा पहना है उससे जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब होती है तो उस पर इतराज हो सकता है. जी. अब जो डिस्टर्ब होती है वो किसको होती है भाई? आज जो कुछ लड़के गेरुआ स्कार्फ पहन के आ गए उन्हीं को दिक्कत थी ना, और तो किसी को नहीं हुई. सर ये दिक्कत तो भी ये दिक्कत भी एक्चुअल में ये दिक्कत भी कहाँ से शुरू हुई है मैं आपके समक्ष रखना जरूर चाहूंगी कि जब बच्चियां हिजाब पहनकर आई और उन्हें उस वक्त रोका गया था तो स्कूल मैनेजमेंट की ओर से कहा गया कि देखिए हम आपको इस तरीके से एंट्रेंस जो है वो नहीं दे सकते हैं, यदि आप इस तरीके से अपना पहनावा इस तरीके से आप हिजाब पहनकर आएंगी तो कल को जो बच्चे दूसरे बच्चे हैं जो दूसरे धर्मों के हैं वो भगवा चोला पहनकर आ जाएंगे. सो उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन ऐसा ही हुआ जब स्कूल मैनेजमेंट की ओर से कहा गया और वर्बली, तो उसके बाद इन बच्चियों का भी साफ तौर पर यह कहना है कि यदि उस वक्त मंच से ये बात नहीं की जाती तो शायद ये स्थिति ना उपजती कि जब दूसरे जो बच्चे हैं वो इस तरीके से भगवा स्कार्फ पहनकर आ रहे थे. ऐसी बात जो है स्कूल मैनेजमेंट को कहनी ही नहीं चाहिए थी. बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी, गलत है. और जो गेरुआ कपड़े पहन के आए बच्चे वो भी बहुत गलत है, उनका कोई हक नहीं है कि आप अपनी राय किसी के ऊपर थोपें. अब देखें कल को हम इतराज करें कि आपके साधु लोग क्यों पहनते भरवा कपड़े, वो त्रिशूल लेके क्यों चलते हैं, वो औजार हैं. कल को आप ये भी कह सकते हैं कि जो नंगा साधु आते हैं वो तो कपड़े बिल्कुल ही नहीं पहनते, वो तो बिल्कुल ही जाहिल है, तो उनको क्यों नहीं बंद करते भाई? सर मसला क्या है कि शिक्षा का मंदिर स्कूल कॉलेज इनको कहा जाता है और वहां पर देखिए हमेशा से ही एक पॉलिसी स्कूल में भी हम देखते हैं कि एक बढ़ती जाती है कि बच्चे एक स्कूल यूनिफॉर्म में आए ताकि सब में एक समानता जो है वो देखी जाए, तो उस नजरिए से भी इस पूरे के पूरे इशू को देखा जा रहा है. बिल्कुल आपने स्कूल की बात कही. देखिए हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बनाई और स्कूल बनाए. जी. भले वो एंग्लो इंडियन पढ़ाई करा रहे हों लेकिन स्कूल तो बनाए उन्होंने. लेकिन हम हिंदुस्तानी हिंदू या सिख जो भी हैं जब हम बाहर जाते हैं किसी देश में क्या करते हैं, मंदिर बनाते हैं. अरे यार तुम जो सोशल वर्क है अगर आपने किसी को फायदा पहुंचाना सोसाइटी को तो खुद करें ना, ये मंदिरों से क्या मिल जाएगा तुम्हें और गुरुद्वारों से क्या मिल जाएगा. अब फिर जब बनाते हो फिर वहां पे झगड़ा शुरू होता है, शांति तो वहां भी नहीं है. तो ये जो बवाल खड़ा हुआ है ये सिर्फ विशाल हिंदू परिषद बीजेपी इन्हों को है, आज तक कभी इसके ऊपर सवाल ही नहीं पैदा हुआ इनका, क्यों मुसलमानों से इतना दुख है इन लोगों को. मुसलमान हमारे शहरी नहीं है, वो भी हिंदुस्तान के उतने ही मालिक हैं जितने हम हैं. मुसलमान हमारी हदों पे लड़े नहीं है, हमारे फौज नहीं है. वो हवलदार हमीद भारत रत्न वो कौन था? आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप क्या करते हो भाई, अपने ही आदमियों को आप गिराते हो. ये बिल्कुल गलत बात है, इनको बल्कि स्कूल की अथॉरिटीज को उस बड़ा सख्ती से काम लेना चाहिए कि इनको वहीं के बंद कर देना चाहिए था. अरे होता क्या है, अब देखिए जितने भी मैं देख रहा हूँ इलेक्शन के दिन आ रहे हैं जितनी भी बीमारियां हैं सब नॉन बीजेपी स्टेट में आती हैं. अब शुरू हो रही हैं धीरे धीरे, अब शुरू हो रही है ना. ये हम एक दूसरे को नफरत फैला के एक दूसरे के खिलाफ लोगों को लड़ा के हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्शन जीतना चाहते हैं और झूठ पे झूठ बोलना, जो मर्जी करो झूठ बोलते जाओ. और क्या प्राइम मिनिस्टर साहब जो बोल देंगे वो सच बोलते हैं क्या? मुझे शर्म आती है कहते हुए कि आप इतने बड़े आदमी हैं आपको हम आदर करते हैं और आप पार्लियामेंट में झूठ बोलते हो.
जिस पार्लियामेंट में जब पहली दफा आप आए थे सीटों पे आपने माथा टेका था और फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन पे आपने माथा टेका था, आपने जो ओथ ली है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तो क्या वो सब चीजों के ऊपर आप पूरे उतर रहे हैं? ओके ये हो क्या रहा है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में? बिल्कुल सर, अगर आज के इस विषय की बात करिए, बहुत ही विचित्र तस्वीर है कि पहले बच्चियों को रोका जाता है, हिजाब पहनने से मना किया जाता है, और उसके बाद एक अगले ही दिन एक अलग तस्वीर जब दूसरे बच्चे भगवा स्कार्फ पहनकर आ जाते हैं, बहुत अलग तस्वीर। आपकी बात सही है कि एक व्यक्तिगत पसंद का ये मामला है और ये उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए कि उन्हें क्या पहना है क्या नहीं। फिलहाल थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में। हिजाब पर पाबंदी के इस सवाल और इससे जुड़े तमाम उपजे जो विवाद हैं उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी जानते ही हैं कि पर्दा जो है वो रूढ़िवादियों और उदारवादियों के बीच चलने वाली संस्कृति की एक ऐसी जंग है जिसमें दोनों ही पक्ष कभी एक राय रखते ही नहीं है या राय नहीं होती ही नहीं है। पारंपरिक उदारवादी ज्यादातर यही मानते हैं कि क्या पहनना है और क्या खाना है ये व्यक्तिगत पसंद का एक मामला होना चाहिए। अगर मुस्लिम समुदाय की कोई युवा लड़की हिजाब या हेडस्कार्फ पहनना चाहती है तो उसके पास उसकी आजादी होनी चाहिए, लेकिन क्या ये उसकी अपनी पसंद है या उसे इसे चुनने के लिए मजबूर किया गया है, ये भी एक बड़ा विवाद अब तक रहा है। मुस्लिम महिलाओं पर हिजाब इसलिए पहनाया गया ताकि उन्हें दूसरे पुरुषों की नजरों से बचाया जा सके। अब मुस्लिम महिलाएं अपने परिवार से ताल्लुक नहीं रखने वाले पुरुषों की मौजूदगी में हिजाब पहनती ही हैं। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार कीजिए, आपके लॉजिक्स बड़े स्मूथ चल रहे थे तो इसलिए सिचुएशन को संभलना और समझना बड़ा आसान था। मैं दो बातें सिर्फ स्पेसिफिकली अपनी तरफ से ऐड करूंगा इसमें। पहली चीज, हमारा जो एक्सपीरियंस था पुराना हिंदुस्तान की एजुकेशन का, मैं अपना फोकस मैं अपने सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही रखूंगा क्योंकि आज का आपका मुद्दा एजुकेशन के ऊपर है। हाँ जी, मैं पहले कॉलर की तरह पॉलिटिक्स और हिंदू और बीजेपी में वो बकबक नहीं करूंगा। अच्छा, तो गीति सबसे एक दो फैक्टर इसमें मिसिंग है। एक है पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन मीटिंग। हमारे वक्त में जब भी कोई नया प्रोग्राम आता था या कोई स्कूल की तरफ से नया प्रोजेक्ट आता था, कोई स्कूल की तरफ से कोई थॉट बच्चों के ऊपर अप्लाई करना होता था पॉलिसी, तो वो टीचर पेरेंट्स को बुला के उनके साथ एक मीटिंग की जाती थी। अब गीजी हर चीज के लिए तो पेरेंट्स को नहीं बुलाया जाता, तो स्कूल की तरफ से कम्युनिकेशंस जाते थे, तो लेटर्स जो पेरेंट्स को जाते थे उससे क्या था कि अगर कोई छापड़ी भी लगाता है, रेडी भी लगाता है, वो बेचारा स्कूल में नहीं आ सकता मीटिंग के लिए, तो उसको गीचे घर पे पत्र मिल जाता था कि बच्चों के स्कूल में ये एक नया निर्देश पालन हो लागू होने वाला है, हमें इसका सम्मान करना है। तो गीची वो पेरेंट्स घर पे ही बच्चों के साथ बात कर लेते थे कि बेटा ये अब एक नई पॉलिसी आपके स्कूल में आ रही है तो इसमें कोई समस्या तो नहीं ना, और बेटा ये बताओ कि टीचर्स आपके क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं जाऊं स्कूल के मैं ना जाऊं स्कूल में उससे काम बनेगा। तो इस तरह की जी एक त्रिकोणा आपस में एक विवाद चल एक संवाद चलता रहता था टीचर्स का, पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का। तो एक तो गीजी ये एक एलिमेंट जो है ये मैं मिसिंग देख रहा हूं इस सिचुएशन में। तो इस वक्त स्कूल अथॉरिटीज को ये चाहिए कि पेरेंट्स को बिना भेदभाव के कि किसी के हिजाब वाले हैं, किसी के किस कलर के हैं, सभी पेरेंट्स को बुला के उनसे बात की जाए, और बुलाने से पहले सबके पेरेंट्स के घर पे संदेश एक लेटर भेजा जाए कि स्कूल में ड्रेस कोड पॉलिसी के ऊपर थोड़ा सा विवाद है, उसमें हमें आपकी सहायता की जरूरत है। ये शब्द यूज किया जाए ड्रेस कोड, एक्सेप्टेबल ड्रेस कोड के ऊपर हमें आपके सहयोग की जरूरत है। तो गीजी एक स्पेसिफिक थॉट जो है वो आप पेरेंट के मन में डाल देते हो तो पेरेंट्स भी अच्छी भावना लेके आपके साथ मिलने आते हैं। और दूसरा आखिरी बात गीजी मैं ये कहूंगा, जो यहाँ पे भी पॉलिसी है, लंदन में भी है, अब भारत में भी है, वो ये कि जो तो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल को पूरी अथॉरिटी है अपना ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब
की और एनफोर्स करने की। ये जो पहले कॉलर ने बात की है कि कुछ भी पहन सकते हो, ये वो गीची नहीं, आपने ठीक कहा था, शैक्षिक संस्था के अंदर आपको वहां के नियम का पालन करना पड़ेगा, लेकिन गीची वहां पे हमारे भारत ने के संस्कार के मुताबिक, वहां के कानून के मुताबिक प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका पूरा हक है, अगर ड्रेस कोड वो साबित कर अपना कोई वहां पे स्थापित करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको गवर्नमेंट से इमदाद मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो इस तरह का कोई चीज इम्पोज नहीं कर सकते बिना स्टूडेंट्स की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए। इसीलिए कॉलेजेस में वहां पे स्टूडेंट यूनियंस बनी हुई है, और इसलिए वहां पे प्रिंसिपल्स कॉलेज के यूनियन के बच्चों को बुला के साल में 3 महीने में मीटिंग करके उनके साथ बात कर लेते हैं, जब कोई नया कोर्स आना है या कोई नया टीचर आया है या कोई नया प्रोग्राम आया है। तो क्योंकि इस चीज का एक थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है कि अगर वो प्राइवेट स्कूल है उनका पूरा हक है अपना ड्रेस कोड इनके ऊपर इम्पोज करने का, लेकिन अगर सरकारी स्कूल है तो वो इम्पोज नहीं कर सकते इस तरह। और आखिरी बात गीत जी, जिस वक्त, क्योंकि अब ये बात बिल्कुल धर्म की चल रही है, तो हिजाब पहनने वाले तो मुस्लिम हो गई लड़कियां, लेकिन जो नहीं हिजाब पहने हुए वो जरूरी नहीं कि वो बीजेपी के ही है। ये मैंने एक बड़ी बेकार की बात सुनी कि जिसने हिजाब नहीं पहना वो बीजेपी का ही है। जी, ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि वो कांग्रेस का है? वो लड़का कांग्रेस का भी हो सकता है, वो कम्युनिस्ट भी हो सकता है, वो बीजेपी का भी हो सकता है, वो बीएसपी का भी हो सकता है। उसी के ऊपर रगड़े चले जाना कि बीजेपी बीजेपी खाली यही भगवा कपड़ा पहनते, अरे भाई भगवा किस वेरी फेवरेट कलर ऑफ द बॉयज, और समर में तो गीजे भगवा कुर्ता जो है इट्स ए वेरी कॉमन थिंग। आप दिल्ली में चले जाओ, चंडीगढ़ में चले जाओ, फैशन के तौर पे भगवा इज ए वेरी कॉमन कलर अमंग बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसको एकदम पॉलिटिकल उसके साथ जोड़ना जो था आज के टॉपिक को एडल्ट्रेट करने की बात थी। धन्यवाद गीजी, समय हो गया है, भारत माता की जय। थैंक यू सर, थैंक यू अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, समय कम है, हालांकि ये एक ऐसा मुद्दा जो अभी फिलहाल लगातार चर्चाओं का बना हुआ, लेकिन नजरें इस पर टिकी हुई कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये मुद्दा पहुंचा है और आज इस पर वो किस तरीके की सुनवाई करेंगे भारतीय समय अनुसार, क्योंकि मंगलवार का दिन और आज इस पर सुनवाई होगी, तो देखना होगा कि इस पर अब आगे की जो तस्वीर है वो किस तरीके से प्रेजेंट की जाएगी। फिलहाल आज के स्ट्रेट टॉक में इतना ही, कल नए विषय के साथ होंगे आप सभी के सामने रूबरू। जसनी के बाकी प्रोग्राम के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, नमस्कार।